हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। सोमवार शाम से ही बीजेपी शासित चार बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार और मध्य प्रदेश में नकदी पैसे नहीं मिल रहे हैं। यहां पैसों की भारी किल्लत हो गई है। नोटबंदी के बाद एक बार फिर लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक माने जाने वाले सुधीर चौधरी और श्वेता सिंह जैसे पत्रकारों ने इसका महिमा मंडन किया था। बताया गया कि इससे देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, रोजगार के लिए नए मौके मिलेंगे और ना जाने क्या क्या। इन्हीं दावों के बीच पत्रकार श्वेता सिंह ने कार्यक्रम में कहा था कि 2000 के नए नोट में डिजिटल चिप लगी हुई है, जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कैश की आई कमी और 2000 के नोटों का बाजार में ना आना इसमें साजिश की गई है। ट्विटर पर एक यूजर ने पत्रकार अभिसार शर्मा को टैग करते हुए लिखा है कि नोटबंदी के समय कुछ पत्रकारों ने दावा किया कि 2000 के नोटों में डिजिटल चिप लगी हुई है। कहा है वो पत्रकार, कृपया उनके 2000 के नोटों को खोजने के लिए बुलाएं। कैश की कमी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक साजिश बताया है। लेकिन साजिश करेगा कौन, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों में ही बीजेपी की सरकार है। अगर शिवराज की बात को आधार बनाकर सच माना जाए तो क्या बीजेपी की मोदी सरकार उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकारों को नहीं चलने देना चाहती, जिसकी वजह से इन राज्यों में नोट की आपूर्ति नहीं हो रही है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार। सब्सक्राइब करना ना भूलें।